ये हम मौजूद हैं फोर्ट के अल्तित फोर्ट के छत पे। आराम आराम से आजी सिंह और आसपास वादियाँ और मकामी लोगों की रहश है। मुंजा सिटी। सबसे पहले तो आप अपने आप को सारे मुबारकबाद दें क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, जगह देखे बगैर मर जाते। आप लोग खुशनसीब हो एटलीस्ट एक बार दुनिया में जिंदा रहते हुए आप लोग एक जगह देखने आओ, इस बात की मुबारकबाद जी। शुक्र हम इंटरनेट के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। सामने देखिए इतना बड़ा टावर दिख रहा है पीछे आपको, उस टावर के दो नाम है, टावर एक है नाम दो है, बड़ी अच्छी बात है। पहला नाम वॉच टावर भी कह सकते हैं, यहाँ से दुश्मनों को वॉच करते थे 24 घंटे 24/7। दूसरा ऑब्जर्वेशन टावर भी बोल सकते हैं आप उसको, वहाँ से ऊपर चढ़ के ऑब्जर्व करते दुश्मनाने हुंजा को 24/7। सर्विलियंस की टीम भी होती थी, वॉच ऑब्जर्व दुश्मनों को करती थी 24 घंटा हफ्ते के 7 दिन। राइट साइड पे सीधे हाथ पे जो आपको स्टोर दिख रहा है जनाब, उसमें स्टोर करते थे ड्राई फ्रूट्स और मौसम सरमा विंटर के अंदर खास करके गोश्त को प्रिजर्व या स्टोर करते थे, जस्ट लाइक नेचुरल और लोकल रेफ्रिजरेटर। लेफ्ट साइड पे आपको जो दिख रहा है छोटा सा रूम, लेफ्ट साइड यहाँ पे ये खान का इबादत का मस्जिद तो इस्लाम है, थ्रू पर्शिया 400 साल पहले तो पहली मस्जिद बनी, मस्जिद हॉरस के नाम से उनजम ये बनी। अब मैं आपको अपने गुनहगार हाथों की मदद से पाक पवित्र होली पाइस पीक्स के नाम बताऊंगा, प्लीज़ ज़रा फेमस और पीक्स के नाम देखिएगा। ये जो आपको सामने बर्फ से लदा हुआ पहाड़ जो बादलों में घिरा हुआ है, इस पहाड़ी सिलसिले के तीन नाम है जनाब। पहला नाम इसको कहते हैं उल्तर 1, दूसरा नाम उल्तर 2, तीसरा नाम हुंजा पीक, क्योंकि वादियाँ हुंजा में चूंकि इसलिए उसको हुंजा पीक ही कहते हैं। राइट लेफ्ट पे देखिए सामने बिल्कुल बराबर सामने 90 डिग्री में काला पहाड़ सामने दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है किसी ने वेस्ट इंडीज बारबाडोस से लाके चिपका दिया। इसके टॉप पे देखिए आपको छोटी सी टिप दिख रही है आपको, कौन जी 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 जी, उस पहाड़ का नाम है लेडी फिंगर। अच्छा लेडी फिंगर पीक बोलते हैं आप इस पहाड़ को कह सकते। अच्छा सामने देखें सबसे लास्ट जो बादलों में गिरा 90 डिग्री 90 की सतह में सबसे आखिरी में जो आपको पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ को कहते हैं राका पोशी, सबसे एक्सट्रीम ला जो बादलों के नीचे बिल्कुल सीध में। और ये जो आपको सामने दिख रहा है लेफ्ट हैंड पर सामने जो बादलों से नीचे जो गिरा हुआ बादलों में पहाड़ी जो सिलसिला दिख रहा है बर्फ का पहाड़, इस पहाड़ को कहते हैं दीरान पीक या मीर शिकारी भी बोलते हैं। अब मैं आपको दो पीक्स के नाम बताऊंगा, जरा इधर है करीब है। एक ये देखें सामने क्रॉस वर्टिकल काला पहाड़, ये सामने बिल्कुल सामने से ऊपर से नीचे आ रहा है जी जी, पीछे से एक और काला पहाड़ आ रहा है क्रॉस वर्टिकल। इन दोनों काले पहाड़ों के सेंटर में बीच में देखें फ्रेम में छोटा काला पहाड़ दिख रहा है सामने आपको, उसके जस्ट पैरेलल पीछे एक और पहाड़ है जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं गोल्डन पीक। क्या कहते हैं गोल्डन पीक खुदारा, ये मतलब कतई मत लीजिएगा वहां से गोल्ड छलकता है, वरना कल आवाम पहुंच जाएगी गोल्ड भी निकाल देगी पहाड़ भी उखाड़ देगी, वो चमकता सिर्फ गोल्ड की तरह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। और सबसे जो आखिरी पीक जो दिख रहा है सबसे लास्ट वाला जो बादलों के नीचे जो बर्फ में गिरा हुआ, उस पहाड़ का नाम है दस्तगील सर, एक सर जिनका नाम दस्तगील था इस तरह याद कर सकते हैं दस्तगील सर। अब फटाफट अपने ग्रुप में फोटोज बना लें, कोई वीडियोज की फोटो की जरूरत है मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ, अपनी ट्रिप को मेमोरेबल यादगार बनाए, फिर हम लोग अगले जाएंगे कुछ चीजें देखेंगे हमारी ट्रिप सर बहुत जल्दी आएगा।